हमारे इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ इंडियन सी है, और हर साल ऐसे ही कई टैलेंटेड लोग इंडिया में कंपनी खोलने या फिर इंडियन कंपनीज के सीईओ बनने के बजाय देश को ही छोड़कर चले जाते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि 139 करोड़ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से अगर कुछ लोग इंडिया छोड़कर चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वो ही लोग थे जो इंडिया में कई लोगों को नौकरियां दे सकते थे और गवर्नमेंट को टैक्स। लेकिन अब वो दूसरी कंट्रीज में जाकर दूसरे देशों के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या खास है विदेशों में जो इन माइग्रेंट करने वाले लोगों को इंडिया में नहीं मिल पाता? इसके पीछे मेनली टू रीजन है। कई कंट्रीज में स्किल्ड लेबर को इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ तक कि यूएसए में एक प्रोफेसर की सैलरी एक इंडियन प्रोफेसर से 6 गुना ज्यादा है। इंडिया में ज्यादातर बिजनेसेस की टॉप पोजीशन फैमिली के कुछ खास लोगों के पास होती है, लेकिन अगर ऐसी ही कंपनीज की टॉप पोजीशन पर जाने का बाकी लोगों को भी मौका मिले तो इंडियन टैलेंट बाहर जाएगा ही क्यों? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?